फलों का राजा आम और आमों की प्रदर्शनी पटना के ज्ञान भवन में तकरीबन 200 से ज्यादा किस्में आम की अलग अलग आम देखेंगे हम। और हमारे साथ इस वक्त हैं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पवन जी। सर ये बताइए कि 200 से ऊपर कितने आम इस बार लगाए गए? लगभग 250 प्रभेद के आम को प्रदर्शित किया गया है और यह आयोजन 16 से लेकर के 18 जून तक में किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, कल प्रदर्शकों की प्रविष्टि की गई और करीब 2425 प्रदर्शक को यहाँ पे लाया गया है, जिसमें आम के कई प्रभेद आप सामने में देख रहे हैं और लगभग 382 किसानों के द्वारा जो है अपने प्रदर्शकों को लाया गया है। जी, पूरे बिहार से आए हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन निबंधन कुछ ज़्यादा ही हुए थे लेकिन कुछ किसान भाई अपने प्रदर्शक को नहीं ला सके हैं और उनके सारे प्रदर्शकों को रात में ही निर्णायक दल के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है निर्णय लिया जा चुका है कि प्रथम पुरस्कार किन्हें मिला है और द्वितीय तृतीय। प्रथम पुरस्कार के रूप में इस आयोजन में 5,000 रुपये, द्वितीय को 4,000 और तृतीय को 3,000। इसके साथ ही जो सर्वाधिक पुरस्कार विजेता होंगे उनको एक विशिष्ट पुरस्कार 10,000 रुपये का दिया जाएगा। तो ये आम के फलों के साथ साथ में ही इधर हमारी दाहिनी तरफ देख रहे हैं कि कई सारे आम के उत्पाद जो है वो भी प्रदर्शित किए गए हैं। जी, आम के हैं, जैसे आम के जैम है, जेली है, फिर आपको आगे चटनी है, अचार है, मावट है और भी कई तरह के उत्पाद हैं। आम कच्चे आम से तैयार किया गया स्क्वैश है, फिर पके आम से भी तैयार किया गया अलग स्क्वैश है। तो ये सारे प्रदर्शकों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जो दाहिनी तरफ देख रहे हैं वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का जो है उनके द्वारा जो रेयर किस्में हैं जो कि विश्वविद्यालय में संग्रह किया गया है कई प्रभेदों का, उन्हें भी प्रदर्शित किया गया है ताकि किसान भाई उसे देख करके अपना सके। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि अंबिका जो आम है वो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, अंबिका आम, तो सर आप अपने हाथों में लेकर बताएं कि इसकी क्या विशेषता है और क्या खासियत है और ये सबसे महंगा क्यों है? ये देखिए, आम की खासियत एक ये है कि रंग जो है इसकी अन्य आमों से भिन्न है, इसके कारण जो है लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि ये इसकी अभी व्यावसायिक खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि ये नई प्रभेद है और धीरे धीरे लोगों के बीच में यह अब उपलब्धता हो रही है। और वो जो पीला कलर में है वो ये आप देख रहे हैं, इसका भी रंग अच्छा है और ये वेरिएशंस के कारण है, लेकिन आपको अट्रैक्शन जो है हम लोग के यहाँ काफ़ी मिलेगा। एक अरुणिमा, हाँ, ये पूसा अरुणिमा है, ये भी देखिए काले लाल रंग की है और ये काफ़ी अच्छा मतलब अट्रैक्शन का ये आपको इस आयोजन में काफ़ी अट्रैक्टिव फल है। बिल्कुल, लोग जो है कल तक इस प्रदर्शनी को देखेंगे और आज अभी द्वितीय प्रथम सत्र में उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, द्वितीय सत्र में आपको आम में नक्काशी प्रतियोगिता और इसका आम खाओ छोटे बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जो ज़्यादा आम खाएंगे उन्हें इनाम मिलेगा। इसके साथ ही एक छोटे बच्चियों के लिए फैंसी ड्रेस का भी आयोजन किया गया है जिसमें कि वो भी भागीदारी लेकर के, और इस उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि छोटे बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी आए, लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आयोजन का लाभ उठा सकें। कह सकते हैं कि कुल मिला के आम के आम और गुठली के दाम। बिल्कुल सही बात है। और कल जो है साथ में ही इसमें क्रेता विक्रेता सम्मेलन होगा जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने उत्पादों के बाजार विपणन की खोज करेंगे और यहाँ पे कई क्रेतागण आए हुए हैं और वो उनके बीच में एक आपसी बातचीत होगी जिससे कि वो अपने उत्पादों को अधिक मूल्य पर सीधे तौर पे बेच सकें। साथ ही कल पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया जाएगा और जो भी इसमें लाभान्वित हुए हैं किसान, लगभग पूरे 100 किसान को चयन किया गया है और
6 करीब अभी फैंसी ड्रेस का आयोजन हुआ नहीं है और आम खाओ इनाम अभी हुआ नहीं है, इसलिए हमें लगता है कुल मिलाकर के 106 लोगों को इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और इसके अलावा एक विशिष्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं सर, बायोस्कोप से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा आपने कि कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पवन जी से बात हो रही थी, उन्होंने पूरे तरीके से इस प्रोग्राम के डिटेल के बारे में बताया। तो 2 दिनों तक यदि आप किसी महोत्सव में जाना चाहते हैं तो इस आम महोत्सव में जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आम के साथ साथ आम के आम और गुठलियों के दाम यानी कि रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ आम खाओ प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।